सो गाइस, ये कंपैरिजन वीडियो है ना, वो मुझे यहाँ पर थोड़े टाइम पहले बनाना चाहिए था, यानी 2 डेज पहले बनाना चाहिए था, बट ये मैं थोड़ा यहाँ पर डिले चल रहा हूँ। मोटोरोला i30 वर्सेस यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G का। यस, एनीवे आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन की, जहाँ पर आपको मोटोरोला i30 एंड यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर चॉइस हो सकता है। यस, तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड एंड डिज़ाइन की, वरना मैं यहाँ पर डिस्प्ले से स्टार्ट करता सीधा, बट यहाँ पर आपको बिल्ड एंड डिज़ाइन की बात करें। वेट की बात करें तो गाइस, मोटोरोला i30 में यहाँ पर आपको 176 ग्राम एंड थिकनेस 7.4 mm की देखने को मिलती है। रियर एंड यहाँ पर आपको फ्रेम पॉलीकार्बोनेट, फ्रंट पर यहाँ पर आपको गोल लगा 3, जो कि इसका डाउन ग्रेड पॉइंट हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में वेट की बात करूँ तो गाइस 155 ग्राम वेट, थिकनेस की बात करूँ तो गाइस 6.799 mm थिकनेस एंड यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन PMMA। यस, ये अलग ही यहाँ पर आपको इसमें प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको IP52 की रेटिंग एंड फ्रंट पर गोला ग्लास 5, देखो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मोटोरोला i30 में 3 देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर आपको 5 देखने के लिए मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में। डिस्प्ले की बात करें तो गाइस, यहाँ पर आपको सबसे पहले मोटोरोला i30 में 6.5 इंच का फुल HD प्लस 10-bit POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। यस, तो ये POLED डिस्प्ले OLED से यहाँ पर आपको 20% बेटर देखने को मिलता है। यस, किसी में भी मान लो आप चाहे। एंड यहाँ पर आपको 144Hz की रिफ्रेश रेट, 360Hz का जो टच फ्रेम रेट एंड HDR10 का सपोर्ट ऑब्वियसली, एंड साइड के बेजल सुपर नीचे के जिन दोनों स्मार्टफोन में काफ़ी स्मॉल देखने को मिलेंगे। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमोस के साथ ओनली आपको यहाँ पर मोटोरोला i30 में ही देखने मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में यहाँ पर आपको डिस्प्ले की 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस यस इन्फिनिटी ओ डिजाइन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये सैमसंग का नाम है। यस, यानी ये इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने के मिलते हैं ना, वो यहाँ पर आपको सेंटर कंसोल को बताता है, जो सेंटर कंसोल में वो टिमकी से आती है ना, उसको बताता है ये। एंड 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच स्क्रीन ग्लेड, HDR10 का सपोर्ट एंड यहाँ पर आपको साइड के बेजल एंड ऊपर नीचे के तीन इसमें भी काफ़ी स्मॉल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। मोटोरोला में अंडर डिस्प्ले था, तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 में यहाँ पर आपको साइड माउंटेड दे दिया, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में नहीं देखने मिलेंगे। तो बात करते हैं गाइस यहाँ पर आपको अब चिपसेट की, तो गाइस यहाँ पर आपको मोटोरोला i30 5G में यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस वाला चिपसेट देखने मिलेगा एंड यहाँ पर आपको 6nm पर बना हुआ ऑक्टाकोर का 5G प्रोसेसर है, जिसका अंतर्गत स्मार्ट स्कोर 500,000 के अराउंड देखने को मिलता है, उसके अप्रोक्स देखने मिलता है। LPDDR5 रैम टाइप, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप एंड 13 5G बैंड का सपोर्ट, Android 12 देखने मिलेगा एंड उनका खुद का ही UI देखने मिलेगा, जो कि स्टोक क्लीन देखने मिलेगा। यस, एंड अब बात कर रहे हैं यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में MediaTek Dimensity जो 900 वाला 5G प्रोसेसर देखने मिलेगा, जो कि 4,20,000 के समथिंग आपको अंतिम स्मार्ट स्कोर प्रोवाइड करता था। तो ये यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 778G प्लस से डाउनग्रेड है। यस, एंड LPDDR5 रैम टाइप, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप, 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने मिलेगा, तो एक दो में क्या फ़र्क हो गया फिर। तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 पर देखने मिलते हैं एंड उनको सैमसंग में सैमसंग का UI देखने मिलेगा, मोटोरोला में मोटोरोला का स्टेब क्लीन यूनिट देखने मिला। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अगर आप कोई भी स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M53 5G एंड यहाँ पर आपको मोटोरोला i30 में से ढूंढ रहे हो, तो मोटोरोला i30 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी, 100% रिकमेंडेड है। कैमरा की बात करें, 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप विद OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ एंड मोटोरोला में यहाँ पर आपको 50MP अल्ट्रा वाइड, उसी में मैक्रो 2MP डेप्थ, 4K कर पाओगे रियर से। सेंटर कंसोल में दोनों ही स्मार्टफोन में 32MP सेल्फी स्नैपर। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में 108MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप एंड 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो, 2MP डेप्थ रियर से, इस यहाँ पर भी 4K एंड फ्रंट पर 4K दोनों तरफ सैमसंग गैलेक्सी M53 5G में 4K ऑप्शन देखने मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड मैं 100% जब आपको कंपैरिजन वीडियो आता है तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में सैमसंग का स्मार्टफोन क्यों रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज फ्रंट से एंड रियर से दोनों से 4K कर पाते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मोटोरोला i30 5G में देखने मिलता है। तो कैमरा के लिए 100% आप सैमसंग गैलेक्सी M53 की तरफ जा सकते हो।
अब बात करते हैं यहाँ पर आपको बैटरी की। यहाँ पर आपको मोटरोला में यहाँ पर आपको 4020mAh या 4020mAh की बैटरी 33W की फास्ट चार्जिंग। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर आपको सैमसंग गलेक्सी M53 5G में 5000mAh की बैटरी एंड उसके साथ 25W का फास्ट चार्जर, यस 20W का 5W का फास्ट चार्जर, जो कि मोटरोला में यहाँ पर आपको यानी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग स्पीड देखने मिलती है बट उसका साइज़ कम देखने मिलता है। तो आप डेफिनेटली बैटरी ले लें एंड फास्ट चार्जिंग के लिए दोनों स्मार्टफोन में किसी भी तरफ जा सकते हो, आपकी बैटरी चॉइस हो सकती है किसी तरफ। यानी सैमसंग गलेक्सी M53 में यहाँ पर आपको बैटरी ज़्यादा है एंड मोटरोला H30 5G में फास्ट चार्जिंग थोड़ी ज़्यादा है। यस उसके अलावा वेरिएंट प्राइस की बात करते हैं तो गाइस सबसे पहले मोटरोला की बात करें, 6GB 128GB का प्राइस 28,000 रुपये, 8GB 128GB का प्राइस यहाँ पर आपको 30,000 रुपये। यस अब बात करते हैं सैमसंग गलेक्सी M53 की, 6GB+128GB का प्राइस 26,499 रुपये, 8GB 128GB का प्राइस 28,499 रुपये। यस एंड अब बात करता हूँ आपको किस यानी फीचर्स के अकॉर्डिंग किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। डिस्प्ले की तरफ दोनों की तरफ आप जा सकते हो, यस एंड आप ज़्यादा यहाँ पर आप सैमसंग की तरफ जाओ ना तो आप बेटर रहेगा। बिल्ड एंड डिज़ाइन यहाँ पर आप मोटरोला H30 5G की तरफ जा सकते हो, यस यहाँ पर आपको इसका गुड लुकिंग डिज़ाइन देखने मिलता है, वरना आपकी यानी सैमसंग गलेक्सी M53 की तरफ जा सकते हो। चिपसेट ओनली यहाँ पर आपको मोटरोला H30 को कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 7780+ यहाँ पर आपको बेटर परफॉर्म करता है। कैमरा में यहाँ पर आप ओनली सैमसंग गलेक्सी M53 एंड बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग की तरफ दोनों स्मार्टफोन में जा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइस आई होप कि मैंने आपको मोटरोला H30 5G एंड यहाँ पर आपको सैमसंग गलेक्सी M53 5G रिगार्डिंग जितने भी आपके माउंट में चल रहे हैं दोनों के रिगार्डिंग कंपेरिजन में आपके थॉट चल रहे थे वो आपके क्लियर किए होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी थॉट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना एंड इसके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूँ फिर के साथ, तब तक स्माइल एंड जय हिंद।